Hello Ganophinians, this is your Ganophins here and welcome back to WordPress tutorials. In this tutorial, I want to tell you about how you can insert a media in a post. So, मतलब मान लीजिए आप कोई post publish कर रहे हैं या कोई post को as a draft save कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके अंदर media insert करना चाहते हैं उसके content में, तो किस तरीके से करेंगे? उस चीज के लिए मान लीजिए आप post write कर रहे हैं, एड न्यू पोस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी पोस्ट का टाइटल दे दिया कुछ भी, तो फिर यहाँ पे आपने कुछ कंटेंट डाल दिया। अब इसी के साथ आप एक मीडिया इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऐड मीडिया पे इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप आपके पास कई ऑप्शन है, या तो आप मीडिया अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अपलोड करना चाहते हैं कि आपने अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो अपलोड कर सकते हैं, फिर मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में जो पहले से मीडिया मौजूद है उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि आप उसकी जो यूआरएल है वो खुद खुद ब खुद डिफाइन कर सकते हैं कि क्या यूआरएल होगी। अगर कोई उस इमेज पे क्लिक करेगा तो कौन सी यूआरएल पे लेके जाएगी वो इमेज उसको। यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं उस इमेज का जो आपने मीडिया अपलोड कर रखा है, कैप्शन डाल सकते हैं उसका, एड टेक्स्ट डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और जो अटैचमेंट डिस्प्ले सेटिंग होगा मतलब कि जब वो कंटेंट में अपीयर होगा किस तरीके से, सेंटर में होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, या फिर नन, कोई भी पोजीशन नहीं, लिंक टू मीडिया फाइल से लिंक होगा या कोई पेज से लिंक होगा, या फिर कोई कस्टम यूआरएल आप डालना चाहते हैं तो उससे भी लिंक कर सकते हैं। इसकी साइज कितनी होगी, मीडियम, थंबनेल, लार्ज, फुल साइज, किस तरह की साइज रखना चाहेंगे वो भी डाल सकते हैं। और या फिर आप एक और ऑप्शन आता है, अगर आप कोई मीडिया इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उस मीडिया को यूआरएल से इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी वीडियो या फिर ऑडियो या फिर कोई भी इमेज का यूआरएल पता है, तो उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कीजिए, यहाँ पे उस कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिखिए, फिर बाद में इंसर्ट इंटू पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंसर्ट इंटू पोस्ट करेंगे, जैसे कि अब मेरा ये मैंने इंसर्ट इंटू पोस्ट किया वो इमेज, तो ये इमेज अपीयर हो चुकी है सेंटर के अंदर क्योंकि मैंने अलाइनमेंट सेंटर में सेट कर रखा था। इस तरीके से आप कोई भी मीडिया अपनी पोस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वेल आई होप यू गाइज अंडरस्टूड हाउ यू कैन इंसर्ट ए मीडिया इनटू योर पोस्ट इनटू योर आर्टिकल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस थिंग देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।